इरफान खान लंदन में इन दिनों अपनी रेयर बीमारी न्यूरो एंडोक्राइन नाम के कैंसर से जूझ रहे हैं। जब से इरफान खान की बीमारी की खबर आई है, सभी फैंस काफी अपसेट हैं। फैंस उनके जल्द ही ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। पिछले दिनों इरफान खान को लेकर खबरें आई थी, जिसमें उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में अपनी इस बीमारी से जुड़ी कई बातों को शेयर किया था, जिसमें उन्होंने जिंदगी को लेकर अपने बदले नजरिए पर भी बोला था। उन्होंने कहा था कि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी बताया था कि इस बीमारी की वजह से प्लानिंग करना उन्होंने बंद कर दिया है। वेल, अब इरफान खान की सेहत से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। उनका 5वां कीमोथेरेपी का सेशन हो गया है और अब आखिरी सेशन होना बाकी है, जो 2 से 3 दिन बाद होगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि इरफान का कैंसर कितना कम हुआ है। वैसे ये आखिरी के कीमो सेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। 5वें सेशन के बाद इरफान की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में करीब 10 दिन बिताने पड़े थे, लेकिन अब उनकी तबीयत में सुधार है। इरफान अपनी जिंदगी की इस जंग को जिंदा दिली से लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कीमोथेरेपी के सारे सेशन होने के बाद 70 से 80% चांसेस पेशेंट के ठीक होने के रहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इरफान जल्द ही पूरी तरह से ठीक होकर भारत लौटेंगे।